शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोलमाल। चिकने डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। कोई तरीका है भीख मांगने का? ये भीख नहीं मांग रहे, चंदा है। अपने कॉलेज का डीन है ना हरामी, उसको एक खास जगह पे कैंसर हुआ है। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये गलत है। चल रे, इसको साइड में लेके खर्चा पानी दे। अरे अंकल को मत मारिए। हेलो, ये लीजिए, इनके पैसे मैं देता हूँ, 200 रुपए हैं। डाल डब्बे में, डाल डब्बे में, डाल। चले डालो, चलो, वन बाय वन, नो खाए आराम से। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 5000। क्या एक्टिंग करते यार तुम, है ना, कमाल है। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उसी में मुझसे ये सब करवाते हो? तुम्हारी वजह से पूरी कॉलेज में बदनाम हो गया हूँ मैं। हंसो मत, मैंने कहा। तू अपना जिगरी है यार, दोस्ती में चलता है यार ये सब। फिर से काम निकाल रही है, वसूली के पास लेके जाना पड़ेगा। अरे ऐसा मत बोल यार, काफी उधार बाकी है। तुलसी और पार्वती की तरह रो रो के मैंने गाड़ी उधार पे लिया, मालूम है क्या? एक काम करते, ये सारे रुपए ले जाकर के वसूली को दे देते, बाकी के बाद में दे देंगे, सिंपल। वसूली को पैसा देंगे तो खाएंगे क्या? अबे शराब कैसे पियेंगे, जुआ कैसे खेलेंगे? अगर किसी लड़की को गिफ्ट देना हो तो कैसे देंगे? जीना छोड़ दें। ओए, मुझे भी भाभी बनाना है। जाने दे उनको, मौत के कुएं में जा रहे हैं। वो देख वसूली। साले हरामी। वसूली भाई, मैंने राजू रानी से बात किया, अगली पिक्चर में आपको लॉन्च करूं। लेकिन मेरे वो पैसे। करोड़ों की बात करो, आप छुट्टा जमा कर रहे हो, कैसी बातें करते हो यार। हाँ, ये नहीं, हीरो बन के स्टाइल में खड़े रहने। अबे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना? अरे चूना लगा रहा है, पकड़ साले को। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तुम्हें लोगों ने उन स्टूडेंट्स को बताया कि मुझे कैंसर हुआ है, पर कैंसर के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लक्ष्मण बेटा, यू आर अ गुड बॉय, लेकिन उन तीनों बदमाशों को यहाँ पे एंटर नहीं होने देना। नहीं सर, प्लीज, बिल्कुल नहीं। प्लीज बेटा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। राइट सर, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओए, अरे यार, ये तो सर का पाउच है, ला मैं जाकर वापस दे। दानवीर कन की जेरोक्स इधर ला। क्या है? जा। वो क्या है? एग्जाम का पेपर। ए, देखो, मैं पेपर्स नहीं बेचने वाला हूँ, आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। यार माँ की बड़ी तमन्ना है यार। सॉरी आंटी। सॉरी आंटी। दाल में काला या फिर काले में दाल, I'm a kayamat baby, I'm a kamal। बचके रे बचके रे, बचके रे बचके रे, दिल चोरी हो ना जाए रखना ख्याल। क्यों होते हो सर? तमीज से बोलो ना, चले जाएंगे। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूं। जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। अच्छा, वसूली आ रहा है। अरे भागो यहां से, पकड़ो उस साले को। पुदमाने ये केस करना पड़ेगा। दरवाजे खुलते भी हैं बे, ये बंद। कौन है? कोई नहीं है।
समीर आ गया है। समीर आएगा तो दिन के उजाले में आएगा, वैसे रात के अंधेरे में चोरों चकों की तरह थोड़ी आएगा। वो जब आए तब आए, लेकिन उसके आने तक हमको एक दूसरे का सहारा बन के जीना पड़ेगा। एक बात बता, वो आएगा तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? हाँ तुम चिंता मत करो, मुझे भरोसा है। हाँ हमें अपने आप महसूस हो जाएगा। चलो रात हो गई, सो जाते हैं। लाइट तो बंद कीजिए। क्या फर्क पड़ता है उजाला हो या अंधेरा, हमारे नसीब में तो 24 घंटे रात ही रात है। हो तो फिर टॉर्च लेके क्यों गए थे बाहर? हाँ, ताकि चोर उचक्कों को पता ना चले कि ये बंगले में दो अंधे रहते हैं। दो लोग रहते हैं वहाँ, एक बुड्ढा और बुढ़िया, दोनों अंधे। अंधे काम हो जाएगा। एक आइडिया है, अगर मैं समीर बन के घर में घुस जाऊं तो? उन्हें थोड़ी दिखता है, थोबड़ा कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा करना पाप है, मुझसे यह नहीं होगा। मैं जा रहा हूं। अबे तू कहां जा रहा है? एक बार छोड़। भाई कौन है, कौन है तू? बता बता मैं समीर। समीर कौन? समीर, समीर आपका पोता। समीर मेरा पोता, तू आ गया अमेरिका से? आज एक ही थाली में तेरे दादाजी, तू और मैं साथ खाना खाएंगे। अबे तू कहीं नहीं जा सकता, तू तो मेरा आधा शरीर है। देख चुप कर, नहीं तो तुझे बेहोश करके अंदर लेके जाऊंगा, बोल रहा हूँ। देख मैं दादा दादी, I'm back। समीर, ये हमारा नौकर पांडू है। माना कि तुम समीर हो, तो फिर बाकी तीन कौन हैं? तीन? तो फिर से पी के आया पांडू रंगा इस घर में? दादाजी मैं आपको दिखाता हूँ, सुंघाता हूँ। क्या हुआ? अरे दादाजी ये तो चल भी नहीं पा रहा है अब। ए पासपोर्ट साइज फोटो, यहाँ रहना है तो अपने काम से काम रखना, समझा? क्या ढूंढ रहा था बे? फोरेनर्स, चवन्नी गिर गई थी, ढूंढ रहा था। मैंने बोला ना मैं कुछ नहीं, आप लोग। कभी गैंग बैंग देखा है? नहीं। देखेगा? ओके। छिपकली गैंग बैंग, एक साथ पूरी गैंग बैंग कर दिया मैंने। लगता है अंधे ने खिजड़ों की फौज जमा कर रखी है। क्या ढूंढ रहा था बे? संदूक, उसके ताले की चाबी। तेरे को शर्म नहीं आती? जिस घर में खाया पिया नंगा लाया उसी में छेद, साले। देख लूंगा सबको। मैं चड्डी में से हाथ निकाल, फिर निकालना। छोड़ना। साला ये ले 10 रुपए, नागपंचमी है, दूध पी लेना जा करके। कह रहा था कि पूरे घर का कोना कोना जानता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से, सब मुझे ही करना, सब मुझे ही करना पड़ेगा। हेलो जी, मैं समीर बोल रहा हूँ अमेरिका से। आप कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है भाई? मैं पांडू। देखिए मिस्टर पांडू, मिस्टर आंडू, आप जो भी हो मेरे ग्रैंडफादर से कह दीजिएगा कि मैं आज अमेरिका से लौट रहा हूँ, रात को 1:30 बजे मेरी फ्लाइट लैंड करेगी, एयरपोर्ट आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा। थैंक यू। गोपाल क्या हुआ? समीर आ रहा है। क्या यार, यार तुझे घर की बड़ी है या पुलिस का चक्कर हो सकता है? ए ओ, नहीं, मैं किसी की नहीं सुनने वाला, मैं जा रहा। अरे चुप करो यार, तुम लोग सोचने तो दो।
कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। क्या तुम्हारा इसे भी चोरी करने का इरादा है क्या? हाँ देखो मैं अब भी बोल रहा हूँ ये गलत है। अबे यही सही है। रुक जाओ बेटे, इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। ये क्या है दादाजी? अस्थियां। किसकी? समीर की। मेरा पोता अमेरिका में पैदा हुआ था, हम उसे मिलने के लिए तरस रहे थे, लेकिन 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में हमारी आंखें चली गई। तो मैंने हिम्मत करके मेरे बेटे को हमारे एक्सीडेंट के बारे में सब बता दिया। उसे रहा न गया और वो मेरी बहू और पोते के साथ यहाँ आने के लिए निकल पड़ा। वो गाड़ी से एयरपोर्ट आ रहा था, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं बचा। हर रोज सोचता था कि आज बताऊंगा। फिर जिस दिन मैंने तय किया, भगवान ने तुम्हें समीर बना के भेज दिया और मुझे तुम्हारी इस झूठ से कोई एतराज नहीं था सच, क्योंकि मंगला बहुत खुश थी, बहुत खुश। लेकिन अभी अगर आप चले गए तो पता नहीं उस पर क्या बीतेगी, टूट जाएगी बेचारी, सच कहता हूं। टूटने के लिए अब बचा ही क्या है? आओ, इतना बड़ा धोखा, कौन हो तुम लोग? किसने हक दिया, किसने अधिकार दिया तुम लोगों को एक बुड्ढा बुड्ढी के जज्बातों के साथ खेलने का? हाँ, बहुत बड़ा पाप किया है तुम लोगों ने, इतना बड़ा पाप जिसकी सजा इस दुनिया में नहीं। ये सब मेरा किया करा है, इसके जिम्मेदार ये लोग नहीं, सिर्फ मैं हूं। ये मेरी गलती समझो या नादानी कि मैं यहां आया, लेकिन इससे बड़ी गलती तो ये है कि जो प्यार परिवार मैं जिंदगी पर ढूंढता रहा, जब वो मुझे आप लोगों से मिला तो मैं उसे पहचान नहीं पाया और आप लोगों का दिल दुखा दिया। आप जो सजा दें मुझे मंजूर है। कलश दे दो वरना एक एक को इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। क्या चाहिए? कलश, कलश ये। हाँ। मैंने सब सुन लिया है, समीर की अस्थियों की कसम, इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। पार्टी बदल लिया साला, मारो जाके। एक मिनट भाई साहब, हम लड़ क्यों रहे? अस्थियों में तो आपको इंटरेस्ट है नहीं, मटका चाहिए क्या? क्यों? हीरे, 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 मादम, देख, देख, हाँ, उठ जाओ, हाय,
अरे बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ तुम लोगों को, बहुत दौड़ा है तूने। अरे क्यों मेरा कैरियर बर्बाद करने में तुला भाई? कोई पूछता नहीं मेरे गैरेज को, बीवी ने मायके से आने से मना कर दिया भाई। प्लीज मेरा पैसा वापस कर दे प्लीज। आई एम वेरी सॉरी यार, मैं पता है कड़कती धूप में नंगे पांव तुम्हारे पैसे लेके आया था तुम्हें देने के लिए, और पता है क्या हुआ? क्या? इसने चोरी कर लिए। अच्छा, ओए बच्चे के पैसे वापस कर सीधी तरह से। मैंने कब पैसे दिए? मैं तो भी मिला हूं। नौटंकी नहीं, पैसे वापस कर बच्चे का। Everything is all right now. आइए कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब, मैं जानता हूं इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने जो कुछ किया है उसे देखते हुए ये चारों हमारे साथ ही रहेंगे। क्या? हाँ, तुम चार आज से इस अंधे माँ बाप के श्रवण बन के रह गए। तुम्हें तुम लोगों का इनाम 15 दिनों में मिल जाएगा। इनाम? किस लिए इनाम? इनाम इसलिए कि तुमने एक खतरनाक गैंगस्टर और हीरे दोनों को पकड़वाया है, इसलिए उसका 10% तुम्हें जरूर मिलेगा। कमाल है। गोलमाल!